तो उसके साथ गणेश जी ने छल किया और लिंग को रखवा लिया बाबा बैद्यनाथ धाम बिहार। 2002 से वो झारखंड लगने लगा। दूसरी हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सभी का मेरा इस विदाउट मनी ट्रैवल इन इंडिया के व्लॉग पे हार्दिक स्वागत है। तो अभी फिलहाल मैं रुका हूँ माँ आशापुरा के मंदिर। तो यहाँ पे है माँ आशापुरा का मंदिर। तो अभी मैं जस्ट यहाँ से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे मतलब मन में था कि मैं आशापुरा के मंदिर से मतलब स्टार्ट करूँगा। तो मैं आ चुका हूँ माँ आशापुरा के मंदिर। तो फिलहाल मैं रूम से निकल चुका हूँ और मैंने यहाँ पे अपना सामान वगैरह रख दिया है। तो भाई मुझे अभी ब्रेकफास्ट करवाने वाला है, तो अभी यहाँ पे मैं जाऊँगा, नाश्ता करूँगा, फिर यहाँ से मैं निकलूँगा नारायण सरोवर के लिए। तो फिलहाल अभी दर्शन भी करना बाकी है, तो पहले दर्शन करूँगा फिर नाश्ता करूँगा। तो नाश्ता करके मैं निकलूँगा नारायण सरोवर के लिए। तो चलो यहाँ से पहले देखते हैं। तो गाइस, फिलहाल मैं आप सबको लेके जा रहा हूँ रसोई गृह भंडार के अंदर। तो फिलहाल यहाँ से जाने का रास्ता है, तो ये है मेन गेट। ज़्यादा आवाज़ आएगा इसलिए आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि अंदर सब बन रहा है। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ रसोई भंडार के अंदर। तो अभी यहाँ पे सब कुछ बन रहा है दोपहर के खाने का। तो यहाँ पे क्या बना रहे हो? अभी यहाँ पे बनने वाले हैं गाठिया, और वहाँ पे चावल वगैरह बन चुका है, वहाँ पे शाक वगैरह बन गया है, और यहाँ पे सब बन रहा है। हाँ, ये शाक और ये दाल बन रहा है। तो ये है दादा जो यहाँ पे बना रहा है। तो यहाँ पे भी कुछ बन रहा है, यहाँ पे शीरा बन चुका है। तो यहाँ पे आज का शीरा बन चुका है प्रसादी के लिए, और यहाँ पे सब कुछ अभी बन रहा है। तो हाँ, आशापुरा के मंदिर के अंदर यहाँ पे है ये सब भंडार जो यहाँ पे भी बन रहा है, और ये सब लोग यहाँ पे बना रहे हैं। तो सब लोग यहाँ पे सेवा में, ये सब लोग तो यहाँ पे सेवा करते हैं। दादा है अभी। तो आपको मैं दाल दिखाता हूँ माँ आशापुरा के मंदिर की। तो यहाँ पे अभी फिलहाल बन रही है दाल और यहाँ पे है शाक जो इतने बड़े टॉप में बनती है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे बन रही है दोपहर का खाने का। फिलहाल अभी मैं निकल चुका हूँ माता के मठ से। तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ नारायण सरोवर। तो अभी यहाँ से 55 किलोमीटर और यहाँ से वो रास्ता पड़ता है। तो लेट्स गो, जाते हैं। और बहुत गर्मी है और अभी लिफ्ट कुछ नहीं मिला, तो देखते हैं पहले लिफ्ट भी कौन सी मिलती है। तो लेट्स गो गाइस, फिलहाल मुझे एक लिफ्ट मिल चुके हैं। तो ए भैया ने मुझे लिफ्ट दिया है यहाँ से नारायण सरोवर तक के लिए। तो भाई है, तो भाई आपका नाम क्या है? क्या? गुलाम भाई। तो मतलब भाई का नाम गुलाम भाई है, तो अभी मुझे लिफ्ट दिया है। तो भाई आप कुछ बोलना चाहोगे? कुछ बोलना चाहोगे? क्या बोलते भाई? थोड़ा शर्मा रहे हैं क्योंकि पहली बार मतलब फेस पे आया कैमरा। तो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे जाके। तो भाई से बात करते हैं, चलो। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं नारायण सरोवर। तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूं आगे, यहां पे मतलब खाने का व्यवस्था अभी फ्री में है। तो अभी फिलहाल मैं उस तरफ जा रहा हूं, क्योंकि अभी बच गया है एक। तो पहले पेट पूजा करते हैं, फिर मतलब यहां पे घूमेंगे। तो देखता हूं यहां पे मतलब कोई स्टे करने की जगह मिल जाएगी, तो मैं यहीं पर फिलहाल रुकने का सोच रहा हूँ। और सामने कुछ मंदिर दिख रहा है, तो पहले यहाँ से जाते हैं। भंडार वगैरह यहाँ पर चल रहा है शायद मंदिर पर, तो पहले वहां पे चलते हैं और खाना वाना खाते हैं, फिर यहाँ से घूमने के लिए चलते हैं। लेट्स गो।
तो फिलहाल मैं नारायण अन्न क्षेत्र पे पहुंच चुका हूँ। तो यहाँ पे है अन्न क्षेत्र। तो अभी पहले मैंने टिकट वगैरह ले लिए, मतलब खाने की जो रहती है ना पर्ची वगैरह ले लिए। तो यहाँ पे भी मुझे जाना है खाना खाने के लिए। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे रूम के लिए भी बात किया है, तो उसने वो मतलब यहाँ पे जो बैठे हैं ना मैनेजर पॉइंट ऊपर, तो उसने बोला कि मैं बात मतलब ऊपर बात करके बताता हूँ, तब तक तुम खाना खा लो। तो अभी यहाँ पे मैं चल रहा हूँ यहाँ पे खाना खाने के लिए। तो फिलहाल अंदर जाता हूँ। फिलहाल अभी मैंने यहाँ पे अपनी डिश वगैरह ले लिया है, तो अभी यहाँ पे है खाना वगैरह। तो पहले देखते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ प्रसादी वगैरह है और यहाँ पे भी ऐसा है। तो ये है चना का छाक जो भैया दे रहे हैं। दाल साग प्रसादी में रोटी और ये चावल। तो आज का खाना ये सब। तो फिलहाल आज का खाना ये है सब। यहाँ पे बैठ जाता हूँ। तो ये रहा मेरा आज का खाना। चने का साग है, रोटी है, दाल है, छाछ है, भात है और ये कुछ गेहूं का बना हुआ है। तो खा के देखते हैं कैसा टेस्ट है। अभी मैं हूँ नारायण सरोवर में और अभी फ्री में मतलब खाना मिल रहा है यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ का खाना कैसा है, टेस्टी सही है, एकदम बेस्ट। तो अभी आपको जल्दी से खा के मिलता हूँ। तो अभी मैंने खाना वगैरह खा लिया है और अभी बच गए 3। तो अभी मैं जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। तो पहले आया हूँ मैं नारायण सरोवर के सामने। तो अभी फिलहाल सामने दिख रहा है नारायण भगवान का मंदिर। तो अभी पहले जाते हैं वहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो यहाँ से कुछ ऐसा रास्ता है और बिल्कुल सामने है हमारे नारायण भगवान का मंदिर। तो अभी पहले वहाँ पर जाते हैं और दर्शन वगैरह करते हैं। तो यहाँ का कुछ ऐसा लोकेशन है और सामने हमारे बिल्कुल सामने है नारायण भगवान का मंदिर। तो मैं आप सबको वहाँ पे भी जाके दर्शन करवाता हूँ आप सबको मेरे साथ भी। तो यहाँ का कुछ ऐसा लोकेशन है। पहले मैं मंदिर में अंदर आया हूँ तो मेरे सामने है गुरुजी। गुरुजी आप इस मंदिर के बारे में कुछ बताना चाहोगे? ये यहाँ का मंदिर है जो कच्छ की महारानी थी उन्होंने यहाँ पे बनवाया है। 400 साल पहले कच्छ की महारानी दर्शन के लिए द्वारिका गई थी पर वहाँ पर उन्हीं को दर्शन नहीं हुए। तो जितनी मूर्तियाँ द्वारिका के अंदर हैं उन सभी मूर्तियों की यहाँ पे स्थापना की गई है। इस मंदिर को आज के समय के हिसाब से 400 साल की इस जगह पे स्थापना इसलिए की जैसे द्वारका देव भूमि पवित्र भूमि मानी जाए, इसलिए हमारे कच्छ के लिए नारायण सरोवर तीर्थ भूमि मानी जाए। बताया जाता है विष्णु भगवान के दाएं पैर के अंगूठे से इस सरोवर के जल की उत्पत्ति हुई, उससे ये सरोवर बना, इसलिए इस जगह का नाम ब्रह्मा जी ने नारायण सरोवर दिया। पूरे भारत के अंदर पवित्र 4 सरोवर माने जाते हैं जो पंपा सरोवर है, बिंदु सरोवर है, मान सरोवर है और ये नारायण सरोवर है। यहाँ पे चारों तरफ समुद्र आया हुआ और बीच में मीठा पानी का सरोवर है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग अपने पितरों के तर्पण के लिए आते हैं, यहाँ पे पितरों को मोक्ष मिलता है और स्नान का महिमा है। स्नान न हो तो यहाँ पे माथे पे पानी चढ़ा के अपने सभी यहाँ पे मनोकामना और यात्रा को पूर्ण करते हैं। और कहीं भी यात्रा करो जब तक इस नारायण की आप यात्रा नहीं करते आपकी की गई सभी यात्राएं अधूरी मन। और भागवत और शिवपुराण के अंदर भी नारायण स्वरूप का महिमा बताए। तो ऐसी कथा सुन के ये जगह पसंद की और द्वारकाधीश जैसी मूर्ति कच्छ के अंदर स्थापित की। ये त्रिविक्रम रैली विष्णु जी का स्वरूप है, द्वारकाधीश जो है सामने का भाग उसी दर्शन कर सकते हैं। धन्यवाद। फिलहाल यहाँ पे दर्शन वगैरह हो चुके हैं और गुरुजी ने कहानी बता दी। मुझे तो कोई आइडिया नहीं था लेकिन गुरुजी से मैंने पूछा तो बताया गुरुजी ने। तो अभी मेरे सामने है द्वारिकाधीश नगरी मतलब श्री कृष्ण हमारे। तो अभी फिलहाल मैं अंदर जाता हूँ वहाँ पे दर्शन वगैरह करते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे बैठे हमारे विराजमान श्री द्वारिकाधीश। तो यहाँ पे है हमारा द्वारिकाधीश और यहाँ का कुछ ऐसा है। सो अभी फिलहाल दर्शन वगैरह हो चुका है तो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ पे बगल में एक तालाब है तो यहाँ से वो इलाका है। तो अभी यहाँ से कुछ ऐसा मतलब मंदिर दिखता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से तालाब के पास। तो यहाँ पे मतलब तालाब है एक। Thank you.
यहाँ पे है श्री नारायण सरोवर, तो अभी वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं क्या है। तो मैं भी पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे। सो अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ नारायण सरोवर के पास। तो ये है कुछ नारायण सरोवर यहाँ का, तो यहाँ पे सब दर्शन करने वगैरह आते हैं। तो ये है कुछ यहाँ का नारायण सरोवर। तो अभी फिलहाल यहाँ पे दर्शन वगैरह मैंने कर लिए हैं, तो अभी मैं यहाँ से जाऊँगा एक अदर मतलब मंदिर है, तो वहाँ पे मैं जाऊँगा। यहाँ पे भी एक मंदिर है और ये मेन मंदिर है यहाँ पे। तो अभी फिलहाल मैं निकलता हूँ दूसरे मंदिर के लिए, और सामने भी कुछ मंदिर है तो वहाँ पे जाके भी देखेंगे। फिलहाल गाइस नारायण सरोवर नारायण मंदिर दोनों के दर्शन वगैरह हो चुके हैं। तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ कोटेश्वर महादेव मंदिर। तो यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर का रास्ता है, सामने वो गेट दिख रहा है, वहाँ से मोड़ना है। सो नारायण सरोवर मतलब गुजरात का लास्ट शहर है, तो यहाँ से बगल में पड़ता है पाकिस्तान बॉर्डर, तो ये है लास्ट शहर गुजरात का। अभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ यहाँ से कोटेश्वर महादेव टेम्पल, तो मेरे सामने ही जस्ट है। तो अभी वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर दर्शन वगैरह करते हुए और मतलब यहाँ का व्यू देखते हैं। मैंने अभी नहीं देखा है, तो पहली बार वहाँ पे जाके देखेंगे। सो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ कोटेश्वर महादेव टेम्पल। तो यहाँ पे है कोटेश्वर महादेव टेम्पल, तो मैं अभी आप सबको वहाँ पे ऊपर दर्शन करवाता हूँ, चलो वहाँ पे। और देखते हैं पहले फ़ोन वगैरह अलाउड होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ है और ऊपर वहाँ तक सीढ़ियाँ है। तो यहाँ पे जस्ट है महादेव टेम्पल। यह पहले है यहाँ पे देवी मंदिर, ये है महादेव टेम्पल जो पीछे से है। मैं आपको आगे से लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा। सो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ महादेव के दर्शन करने के लिए, तो वो आगे से मतलब दर्शन करना है। तो यहाँ से कुछ रास्ता पड़ता है, तो ये है यहाँ का कुछ सीन और यहाँ से कुछ ऐसा है। अभी फिलहाल मैं आगे से जा रहा हूँ महादेव के दर्शन करने के लिए। तो मेरे सामने बिल्कुल है समंदर पूरा, और जस्ट सामने ही है पाकिस्तान बॉर्डर। तो वो तो मुझे यहाँ से नहीं दिख रही, लेकिन मैप में दिखा रहा है पाकिस्तान बॉर्डर। तो अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ महादेव टेम्पल, तो ये है यहाँ का महादेव टेम्पल जो अभी मैं अंदर जा रहा हूँ आप सभी को दर्शन कराने। मैं भी दर्शन करता हूँ, आपको दर्शन कराता हूँ। तो ये है हमारा विराजमान महादेव यहाँ पे, तो कोटेश्वर महादेव नाम के मतलब फेमस है। तो ये है हमारे गुरुजी। फिलहाल मैंने गुरुजी से बात की, तो गुरुजी थोड़ा बताएंगे महादेव के बारे में। तो गुरुजी महादेव के बारे में थोड़ा बताएंगे। ये शिवलिंग की स्थापना है जो वो दशानन रावण ने किया था, रावण ने कैलाश में तप किया और भगवान को प्रसन्न किया। रावण का हट यही रहता था कि मुझे राजा रावण बना दीजिए ताकि मेरी भी सदैव। तो भगवान बोले ऐसा तो संभव नहीं है, जो इस सृष्टि में आया है एक न एक दिन सभी को जाना है। रावण शिव जी का परम भक्त कहलाता था, तो रावण कैलाश में तप किया और भगवान को प्रसन्न किया। तो भगवान ने आध्यात्मिक शक्तियों से लिंग उत्पन्न करके रावण को दिया था कि यदि लिंग तुम ले जाके लंका में रखोगे और सदैव मेरी भक्ति करोगे तब तक तुम्हें कोई जीव मार नहीं सकता। तो रावण सबसे पहली बार कैलाश में तप किया और भगवान को प्रसन्न किया था। तो रावण सबसे पहली बार कैलाश से आकाश जमीन मार्ग से लिंग लंका ले जाता था, तो उसके साथ गणेश जी ने छल किया और लिंग को रखवालिया बाबा बैद्यनाथ धाम बिहार। 2002 से वो झारखंड लगने लगा। दूसरी वक्त रावण ने फिर से कैलाश में तप किया और भगवान को फिर से प्रसन्न किया, और दूसरी बार भी भगवान उसे उसी तरह का लिंग दिए। दूसरी बार भी रावण जमीन मार्ग से लिंग लंका ले जा रहा था, तो उसके साथ इन राज्य देवों ने छल कपट किया और लिंग को रखवालिया कर्नाटक में गोपरन दिया। तीसरी बार रावण ने अखंड तपस्या घोर तपस्या कैलाश में फिर से की और भगवान को फिर से प्रसन्न किया। तो भगवान बोले क्या चीज है, तो बोला कि आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत राज, आपके जैसे कई देव और देवियां मेरे यहाँ दास और दासी भी हैं, कि आप कैलाश छोड़िए और सदैव लंका विराजे में आपकी सदैव भक्ति करना चाहिए। तो भगवान बोले रावण इसमें सृष्टि का कल्याण है, मैं तुम्हारे एक के लिए कैलाश नहीं छोड़ सकता, फिर भी तुम मेरे परम भक्तों में एक उपाय है हमारे बन का। तो भगवान ने रावण को आध्यात्मिक शक्तियों से लिंग उत्पन्न करके दिया, कहा कि यदि ये लिंग तुम ले जाके इस बार लिंग हाथ में लेके लंका तक रखोगे और सदैव मेरी भक्ति करोगे तब तक तुम्हें कोई जीव मार नहीं सकता। तो रावण बोला दो बात तो प्रभु आप पहले भी मुझे लिंग दे दीजिए, पर मेरे सब देवों ने कहीं ना कहीं छल कपट किया और मैं लिंग लंका तक नहीं ले जा सका, तो मुझे आप ऐसा रास्ता बताएं मार्ग बताएं ताकि कहीं कष्ट बाधाएं ना।
तो भगवान तो भोलेनाथ तो बोले कि रावण को इस बार आकाश मार्ग का रास्ता बता दिए कि तुम आकाश मार्ग का सहारा ले लो और सिंधु नदी का किनारा पकड़ के लिए लंका ले जाओ। ये बात किसी को पता भी नहीं चली। आज से ठीक 200 साल पहले 1819 के पहले यहाँ से सिंधु नदी बहती थी, ये समुंदर नहीं था, इसीलिए इसे सिंधु सागर और त्रिवेणी संगम भी कहा गया है। तो रावण आकाश मार्ग से लिंग लेके लंका लग जा रहा था तो उसके कानों में से शब्द पड़े कि मुझे कोई गौरक्षा के लिए पुकार रहा है। आकाश में चारों तरफ देखा, दिखाई कुछ नहीं पड़ा। जब उसकी दृष्टि नीचे पड़ी तो देखा कि एक गाय कीचड़ में फंसी हुई है और एक तपस्वी ब्राह्मण उसे निकाल रहा है। तो रावण सोचा गाय निकाल ली, यदि बिना निकाले गाय यहाँ से चला जाऊंगा, यदि मेरे यहाँ से जाने के बाद यदि गाय की मृत्यु हो गई तो मुझे गौ हत्या का पाप लगेगा। मैं ज्ञात का ब्राह्मण भी हूँ और मेरे हाथ में भोलेनाथ का शिवालय भी है। तो रावण नीचे आया, एक हाथ में लिंग रखा, एक हाथ से गाय निकालने का प्रयत्न किया। बल बुद्धि विद्या शादी लगा दी, रावण से गाय निकली नहीं तो रावण को दूध क्या भी सुना गया कि ऐसा इस गाय में क्या है कि मैं त्रिलोक की विजेता और एक साधारण सी गाय को नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो रावण क्रोध किया, चारों तरफ टापू कीचड़ी कीचड़ था, सिंधु बहती थी, टापू जैसा समझ में आया, शिवलिंग को विराजमान किया, नीचे गाय निकालने के लिए गया। वहाँ गाय अदृश्य हो गई। जहाँ ब्रह्मा जी थे रावण को यह विशाल कुंड समझ में आया और बाद में गया कुंड ब्रह्म कुंड के नाम से विख्यात हुआ। और जहाँ विष्णु भगवान उस गाय को निकालने वाले बने थे रावण को यह सूर्य पत्थर का स्तंभ समझ में आया और बाद में विष्णु भगवान स्वरूप पाप पुण्य का स्तंभ माना गया। तब रावण समझ गया कि मेरे साथ फिर से रेवो ने छल कपट किया, पर मैं इस बार लिंग लंका तक लेके जाऊंगा। रावण पीछे मुड़ के देखा, जहां रावण यहां एक लिंग रखा था रावण को यहां कोटि लिंगों का दर्शन हुआ ताकि रावण पहचान न सके वो कौन सा लिंग पहला से किया था। तभी रावण देवी में मायावी विद्या जानता था, अपने मायावी शक्तियों के बल के प्रयोग से लिंग को पहचान लिया। जो देवों द्वारा दैविक माया जी के कोटि लिंग बने थे वो सब सारे अदृश्य हो गए। एक लिंग रह गया तो रावण लिंग उठाने का प्रयत्न किया। उस समय आकाशवाणी हुई, रावण तो मुझे उठा नहीं सकते, जो मैंने तुम्हें सूचना दिया था उसका तुमने पालन नहीं किया, मैं यह सृष्टि कल्याण के लिए विराजमान हो गया, तू वापस लंका चला। बाद में रावण शिवलिंग को यहीं पे विराजमान किया। बाद में देवों ने यहाँ का नाम दिया, जहाँ रावण एक लिंग रखा कोटि लिंग रावण को दर्शन हुए तब से देवों ने नाम दिया। तो आपने सुना गुरुजी ने बोला हम महादेव के बारे में, तो यहाँ पे कैसे मतलब शिवलिंग यहाँ पे कैसे मतलब यहाँ की कहानी है। और बिल्कुल सामने जैसे कि गुरुजी ने कहा पहले यहाँ पे समुंदर नहीं था तो अभी यहाँ पे समुंदर हो गया है, तो ये पूरा समुंदर का इलाका हो गया अभी। तो फिलहाल का इस मंदिर के दर्शन वगैरह हो चुका है तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे यहाँ से, तो नीचे कुछ व्यू है देखने के लिए तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, देखता हूँ क्या कैसा व्यू है। तो अभी यहाँ से इतनी सीढ़ियाँ उतरनी है नीचे, अभी यहाँ से जा रहा हूँ मैं। सो फिलहाल गाइस मैं दर्शन करके आ चुका था, खाना भी खा लिया है और मुझे रहने के लिए जगह भी मिल चुकी है, तो मैं अभी रुका हूँ यहाँ पे एक मंदिर है वहाँ पे रुका हूँ, तो मुझे ये वाला रूम मिला है। तो यहाँ के गुरुजी थे मतलब यहाँ पे ही रहते हैं, आरती बात किया तो मुझे ऐसे के रहना है, मतलब मुझे रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली तो मुझे यहाँ पे रहना है, तो गुरुजी ने हाँ कर दी। तो अभी मतलब मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह धोने जा रहा हूँ यहाँ पे बाथरूम में। तो हाँ गाइस अभी ये व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ, तो आई होप आप सबको ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब पे जाना। टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय।